सच है तो दिखेगा। नमस्कार, न्यूज 11 भारत के लोकप्रिय कार्यक्रम बोल जनता बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं विम लेंदो। इस वक्त हम जिस शहर में मौजूद हैं, झारखंड के जिस शहर में हम मौजूद हैं, वो शहर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राज्य का एकमात्र ये ऐसा शहर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। जी हाँ, हम साहेबगंज की बात कर रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ बोल जनता बोल कार्यक्रम में साहेबगंज की स्थानीय जनता, स्थानीय आवाम मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि साहेबगंज जिले में कितनी परेशानियां हैं और वो मूलभूत सुविधाएं क्या हैं जो उन्हें अब तक मयसर नहीं हो पाया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं जिस जगह मौजूद हूं, ये साहेबगंज का स्टेशन रोड इलाका है। हमारे दाहिनी तरफ पीछे में साहेबगंज स्टेशन है और हमारे बाएं तरफ साहेबगंज का प्रसिद्ध बाटा मोड़ बाजार है। मैं अपने कैमरामैन से भी गुजारिश करूंगा कि आपको वो दिखाएं कि हमारे पीछे साहेबगंज का प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है और हमारे बाएं तरफ बाटा मोड़ बाजार है, जो साहेबगंज जिले की लोगों के लिए धड़कन है, मेन बाजार है और यहाँ अधिकांश लोग आके शॉपिंग करते हैं। तो हम शुरू करते हैं बोल जनता बोल साहेबगंज से। साहेबगंज की स्थानीय जनता हमारे साथ मौजूद है, आप आएंगे आगे। आप ये बताइए सर, शुरुआत आपसे, साहेबगंज शहर में कितनी परेशानियाँ आप देखते हैं? देखिए, साहेबगंज जिले में व्याप्त समस्याएं हैं। झारखंड राज्य का निर्माण, झारखंड को आधारभूत संरचनाओं के बावजूद इस साहेबगंज जिला झारखंड राज्य भर में यह पिछड़ा जिला है। आज तक यहाँ का जो मूलभूत समस्या है, जिसके कारण हमारे नौजवान, हमारे स्कूली बच्चे और हमारे गांववासी बैंक लोन नहीं ले पा रहे हैं, एक नाम मात्र एक कानून जो कि ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बनाई गई थी खास महल, उस कानून का दंश आज तक हम शहरवासी झेल रहे हैं। आम मूलभूत समस्याओं में कहिए, यह शहर जाम की जानलेवा बनते जा रहा है और जाम से लगातार रोज जूझता है। पीने के पानी का शुद्ध पेयजल व्यवस्था नहीं है, शिक्षा की जो है व्यापक व्यवस्थाएं नहीं है। शिक्षा की ऐसी व्यवस्थाएं साहेबगंज जिले में हो चुकी है कि आज हमारे नौनिहाल पढ़ाई के बावजूद अंडा और आलू के बीच दौड़ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, साहेबगंज में जिस तरीके से समस्याएं हैं, वो अपने आप में कोई भी व्यक्ति, कोई भी दर्शक, आप कभी भी अगर इधर आएंगे साहेबगंज में, तो परेशानियों से आप ज़रूर दो चार होंगे। तमाम परेशानियों की हम पड़ताल कर रहे हैं और हम मौजूद हैं साहेबगंज स्टेशन रोड इलाके में। हमारे साथ कुछ और जनता, स्थानीय जनता साहेबगंज की मौजूद है, उनसे जानते हैं कितनी परेशानियों से वे दो चार होते हैं। आप आगे आएंगे, आप ये बताइए, साहेबगंज शहर के आप बाशिंदे हैं, कितनी समस्याएं हैं साहेबगंज में? देखिए, अव्वल तो ये समस्या है कि सबसे पहले यहाँ के लोगों को, आवाम के लिए लोकल ट्रेन जो है बहुत ही कम है और मेरे हिसाब से यहाँ पे लोकल ट्रेन और होना चाहिए ताकि पैसेंजर को, लोगों को यहाँ की आने जाने के लिए सुविधा हो। लोग जैसे कि वो अभी बताए उन्होंने कि स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह सब इधर उधर जाने वाले लोगों को, यात्री को आराम मिले। दूसरी बात, यहाँ जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ गंदगी बहुत है। जब जो चीज़ ये साहेबगंज का नाम है, उस हिसाब से तो मैं जो देख रहा हूँ, इससे तो कहीं बेहतर एक लोकल स्टेशन है। और यहाँ गंदगी के साथ साथ कुछ डेवलपमेंट नहीं है, तो यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए और थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए, मेरे हिसाब से ये लगता है। मैं आपको बता दूं कि साहेबगंज जिले में, इलाके में तीन विधानसभा आते हैं, बोरियो, बैरहट और राजमहल, जहाँ से इस पूरे ज़िले से जो तीन विधानसभा हैं, हेमंत सोरेन नुमाइंदगी करते हैं जो JMM के सुप्रीमो हैं, ताला मरांडी हैं और अनंत ओझा है, मतलब दो BJP के खाते में और एक JMM के खाते में। लेकिन राजमहल विधानसभा में, मैं आपको एक और भी बता दूं कि राजमहल विधानसभा जो है, उसमें साहेबगंज का जो बाज़ार है
राजमहल और बोरियो दो विधानसभा हैं, उसमें साहेबगंज का जो बाजार है इन दोनों विधानसभा में आता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं साहेबगंज की परेशानियों के बारे में, यहाँ क्या क्या वो सुविधाएं हैं जो आम लोगों को अब तक हासिल नहीं हो पाए हैं, या वो उन परेशानियों से लगातार हर रोज उनका वास्ता पड़ता है। आप आगे आएंगे, आप ये बताइए साहेबगंज की परेशानियों की हम बात कर रहे हैं, कितनी परेशानियाँ देखते हैं आप यहाँ पे, वो कौन सी समस्याएं हैं जो अब तक दूर नहीं हो पाई हैं? बहुत सारी परेशानियां हैं साहेबगंज में, लेकिन सबसे पहले तो यहाँ की ट्रेन नहीं है, लोगों के पश्चिम पूरा जल जाने का है, बहुत सारी दिक्कत होती है ट्रेन को लेकर। दूसरी बात है कि खास माल की भी परेशानी लोगों को झेलना पड़ रहा है। तीसरी बात है कि महिला की शिक्षा की उत्तम व्यवस्था यहाँ नहीं है, महिलाओं को शिक्षा के लिए एक अलग डिग्री कॉलेज होना चाहिए, एक अलग पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, वो महिला की शिक्षा के लिए। जब हम इस शहर में दाखिल हुए तो जाम की समस्या बहुत आम है, अतिक्रमण की समस्या है, क्या लगता है ये दो जो समस्याएं हैं ये इसको किस तरीके से आप देखते हैं, क्या कभी निजात दिलाने की जनप्रतिनिधियों ने कोशिश नहीं की? नहीं, जनप्रतिनिधि जो है कोई निजात दिलाने की कोशिश नहीं की जाती है, और ये साहेबगंज की बहुत बड़ी समस्या है। जाम और जो दो समस्या बताएं दोनों बहुत गंभीर समस्या है, जनप्रतिनिधि द्वारा कोई पहल नहीं किया जाता है, प्रशासन द्वारा कुछ पहल किया जाता है लेकिन वो भी ना के बराबर। सवालिया निशान हेमंत सोरेन पे भी है, सवालिया निशान बीजेपी पे भी है, क्योंकि जेएमएम एक सीट की नुमाइंदगी करती है यहाँ से और बीजेपी दो सीट पे, लेकिन साहेबगंज बाजार की जो हालत है, साहेबगंज मार्केट की जो हालत है, चारों तरफ समस्याओं का अंबार है। कुछ लोग और भी जुड़े हुए हैं साहेबगंज से, हम बात करते हैं, आप इधर आएंगे, क्या लगता है कि परेशानियों के जर में क्या वो चीज़ें हैं जो अब तक ये दूर नहीं हो पा रही हैं? देखिए हमारे यहाँ क्या है, कैमरे की तरफ देखिए बताएंगे ताकि तमाम दर्शक आप, जैसा कि आपने कहा झारखंड में एकमात्र वैसा जिला है जहाँ पे माँ गंगा निवास करती है वो साहेबगंज जिला है, और आपने कहा कि एक और पहाड़ एक और गंगा और उसके बीच में सारा पॉपुलेशन बचा हुआ, तो मेरे यहाँ केवल परेशानी की बात नहीं रोजगार से जुड़ा हुआ भी बात है। हमारे यहाँ जो रोजगार का सबसे बड़ा साधन है, जो शहर के लोगों को लगता है, जिले के लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ साहेबगंज से मनियारी का पुल बनेगा तो यहाँ पे एक विकास होगा और नौजवानों को जो है रोजगार मिलेगा, एक साधन होगा रोजगार का। लेकिन 6 अप्रैल 2017 को माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी आए थे यहाँ पे, शिलान्यास किया और दो साल से ज़्यादा हो गया पुनः वो प्रधानमंत्री बन गए चुनाव जीत करके, लेकिन आज तक गंगा पुल का टेंडर जो है क्लियर नहीं हुआ कि किनको काम मिला है और कब काम स्टार्ट होगा, पुनः जो विधानसभा चुनाव आ गया। अब परेशानी की अगर हम बात करें, नमामि गंगे के तहत पूरे साहेबगंज जिला में कई सौ नहीं कई हजार करोड़ रुपये जो है खर्च किया जा रहा है, लेकिन स्थिति देख लीजिए, चाहे वो सीवर का कार्य हो, अभी बारिश हुई है थोड़ी सी, थोड़ा सा गंगा उफान पे आया, सारा जो ओवरफ्लो हो रहा है, सारा कचरा का पानी जो है लोगों के घर में जा रहा है। गौरतलब है कि नमामि गंगे योजना के तहत साहेबगंज में हजारों करोड़ रुपये निवेश किए जा रहे हैं, लेकिन साहेबगंज बाजार की जो हालत है वो काफ़ी दयनीय है, परेशान करने वाली है, और वही हालत क्या है साहेबगंज बाजार की, स्थानीय लोग यहाँ के स्थानीय आवाम बता रहे हैं कि साहेबगंज कितनी परेशानियों से जूझ रहा है। आप आगे आएंगे, आप स्थानीय लोग हैं, आप इधर आएंगे, साहेबगंज के आप रहने वाले हैं, कितनी परेशानियाँ देखते हैं साहेबगंज में जिनसे आप परेशान होते हैं? बहुत परेशानी है। क्या क्या है कैमरे के सामने बताइए ताकि पूरे दर्शक देश के आपको देख पाए। बहुत परेशानी है साहब, कहने का वर्णन नहीं है। किन किन परेशानियों से आपको बाजार में क्या क्या समस्याएं होती है, साहेबगंज में क्या क्या परेशानियां हैं ये बताइए। बाजार की समस्या तो हम कम बताएंगे, हम तो धीरा क्षेत्र रहने वाले। किसानों की समस्या बताइए। किसानों के समस्या मवेशी का दिक्कत, मनुष्य का दिक्कत, और राहत नहीं मिल रहा है, लीडर मुखिया लोग ऐसे आई माई जनता को पढ़ा रहे हैं, और सरकार की तरफ से योजनाओं का लाभ मिल रहा है जो किसानों के लिए लागू की गई है? कोई लाभ नहीं। अभी के वर्तमान में तो थोड़ा सा प्रकाश सरकार को आए हैं, लेकिन पूरा अभी नहीं हुए हैं, पूरा योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप आगे आएंगे, आप ये बताइए कि साहेबगंज जिले में क्या क्या समस्याएं हम बात कर रहे हैं, तमाम परेशानियों पे हम चर्चा कर रहे हैं, क्या लगता है
अगर रोड की बात करें तो कितनी समस्याएं हैं रोड में साहेबगंज? रोड तो बहुत गड्ढा हो चुका है और परेशानी, गाड़ी घोड़ा एक्सीडेंट भी बढ़ रहा है। डेली पेपर में निकलता है कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, यहाँ एक्सीडेंट हो गया। और मेरा सहारा इंडिया वो कंपनी है, उसमें भी नहीं। ये तमाम वो समस्याएं बता रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग साहेबगंज के। कैमरे के पीछे भी कई लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे, आगे आएंगे और तमाम साहेबगंज की परेशानियों के बारे में बात करेंगे। आप आगे आएंगे, सहारा इंडिया कंपनी भले भले तमाम लोग कैमरे के सामने आकर बोलने से हिचक रहे हैं, लेकिन तमाम समस्याओं का जिक्र वो जरूर कर रहे हैं। उनसे हम गुजारिश भी कर रहे हैं कि आगे आएंगे और हम बात करेंगे। कैमरे को हम इधर ले चलते हैं, हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं। आप आगे आइए, इधर आइए आप। कुछ समस्याएं देखते हैं साहिबगंज में, आप आएंगे, आइए इनसे बात करते हैं। क्या करते हैं आप? हम किसानी करते हैं। किसान हैं। साहिबगंज शहर में कितनी परेशानियां आपको आप झेलते हैं, कितनी परेशानियों से आप दो चार होते हैं? कैमरे के सामने बताइए। सर बहुत परेशानियां से हम लोग जीते हैं, बहुत परेशानी सर हम लोग जीते हैं। दिक्कत यह है कि एक तो बाढ़ बुढ़ा में घर द्वार सब डूब गया और हॉस्पिटल में जो है तो बूढ़ी माँ को भर्ती किए सर, अच्छी तरह से कोई इलाज नहीं हो रहा है सर। और जो है हम 6 महीने सर परेशान हैं और हम गरीब आदमी, हमारे पास सर कोई पैसा बैलेंस नहीं कि अपना बूढ़ी माँ को हम इलाज सर करा सकते। साहिबगंज जो शहर में तमाम परेशानियां हैं, लोग जिक्र भी कर रहे हैं परेशानियों के। कुछ लोग और भी मौजूद हैं अभी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं तमाम दर्शकों को कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत का लोकप्रिय कार्यक्रम बोल जनता बोल, और इस वक्त हम मौजूद हैं साहेबगंज जिले में। यहाँ की परेशानियों के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ की उन मूलभूत सुविधाओं के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें अब तक लोगों के पास पहुँच जाना चाहिए था लेकिन अब तक पहुँचा नहीं है। मैं गुजारिश करूँगा कुछ आप इधर आएंगे, कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ, आप आगे आएंगे, बुजुर्ग हैं यहाँ के, उनसे बात करते हैं। हालांकि छात्रों की भी कई समस्याएं हैं, वो कैमरे के पीछे बता भी रहे हैं लेकिन यहाँ आके बताने में थोड़ा ही चक रहे हैं। हमारे साथ बुजुर्ग हैं साहिबगंज के, उनसे बात करते हैं। ये बताइए साहिबगंज में कितनी परेशानियाँ देखते हैं आप? बहुत परेशानी है सर। मसलन अभी गंगा पुल का है, जैसे बाढ़ आ गया है, किसी को रिलीफ नहीं मिलता है, बहुत तरह का है, इसको देखने वाला कौन? सरकार आपकी बात सुन रही है, आप बताइए कितनी परेशानियां हैं? बहुत परेशानी है, हर चीज का परेशानी है, कौन देखता है? अभी कुर्सी पे सब बैठा है, सब खाने वाला सब है, गरीब को क्या देखता है? कोई जनता को देख सकता है? नहीं, थोड़ा सा बांट दिया, काम खत्म है, किसी को मिला किसी को नहीं मिला, ऐसा सब समस्या है साहेबगंज। साहेबगंज की आबादी लगभग 12 लाख से ज्यादा है लेकिन परेशानियां यहाँ करोड़ों में है जो लोग गिनाते गिनाते थकेंगे नहीं। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत का लोकप्रिय कार्यक्रम बोल जनता बोल, और इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड के संथाल परगना के साहेबगंज जिला में। ये एकमात्र ऐसा शहर है झारखंड का जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, लेकिन बाजार की जो समस्याएं हैं उससे कितने लोग यहाँ के जूझ रहे हैं, आज हम उस पर बात कर रहे हैं साहेबगंज की समस्याओं को लेकर। हमारे साथ कुछ लोग और भी मौजूद हैं प्रोग्राम में, अभी अभी जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर वे कितनी समस्याओं से दो चार होते हैं साहेबगंज में, कितनी समस्याएं हैं? जी समस्याएं तो यहाँ बहुत सारी हैं। सबसे पहला तो यहाँ ट्रैफिक का जो है सो कोई नियम का जो है सो ट्रैफिक की समस्या से हम भी जूझ चुके, जब हम आए थे तो जाम की स्थिति बनी हुई थी। सर यहाँ जो है सो ट्रैफिक की स्थिति बहुत ही खराब है, और एक तो रोड का समस्या बहुत ही खराब है, यहाँ रोड का चौड़ीकरण नहीं है, और रोड जो है सो जो पुराने समय में जो रोड था वैसा ही रोड है, उसका कोई जो है सो उसका व्यवस्था नहीं किया गया चौड़ीकरण का, जिसके कारण बहुत
यहाँ पर नागरिक जो है उनको बहुत सारे परेशानियों तो क्या आप लोगों ने देखिए जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं विकास नहीं कर रहे हैं काम मान लेते हैं तो आप लोगों ने क्या अपनी तरफ से कोई कोशिश किया कोई लिखित में आपने कोई ज्ञापन दिया कोई आपने रिटर्न में कंप्लेन किया या उधर से क्या जवाब मिला? सर रिटर्न में तो हमने नहीं किया लेकिन यहाँ के नागरिक लोगों ने किया है तो लेकिन उसका कोई जो है रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है और हमारे यहाँ का विधायक जी जो है सो कुछ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं न गंगा पुल का कुछ हो रहा है। अभी इलेक्शन का टाइम आया है तो अभी जोर शोर से इसका प्रचार चलेगा कि हाँ गंगा ब्रिज हम बनवा देंगे लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पर। और एक तो सीवरेज का जो इतना स्थिति खराब कर दिया है जहाँ तहाँ गड्ढा कर दिया है लोग उसमें गिर जाते हैं गाड़ियाँ आती है तो उसमें जो है सो चक्का फंस जाता है जिसके कारण आम नागरिक को परेशान होना पड़ता है। और ऐसा स्थिति हो जाता है बरसात के समय में हम जो है सो ब्लॉक के बगल में रहने वाले हैं दिलीप सिन्हा मेरा नाम हुआ है उस रास्ते से गुजरना जब बारिश हो जाता है तो रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है अभी भी मिट्टी जो है सो जब पानी में भींग जाता है तो रास्ते से गुजरना मुश्किल हो जाता है। आप इधर आएंगे आप ये बताइए कि कितनी समस्याएं देखते हैं हम लोग का समस्या बहुत खराब है यहाँ कैमरे के सामने बताएंगे तो पूरे देश की जनता आपको देखेगी कैमरे के सामने बताइए। हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग गंगा के नदी के किनारे के आदमी हैं और नाय भी जो सीज किया है तो आते हैं तो 10 रुपया ले लेता है हाँ और गोरु माल टपाने पर 10 रुपया लेता है यहाँ राशन बांटने का है तो मुखिया सब अपना घर लेके चला गया वार्ड वार्ड में दे दिया यहाँ हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं किया और न मुखिया सोचा। सरकारी मदद मिल पाती है जो MLA हैं MP हैं उनसे मदद मिल पाती है? कुछ हम लोग का कुछ मदद नहीं मिलता है हाँ हम लोग आगे आइए क्या बोल रहे हैं आगे आइए कुछ लोग और भी हैं समस्याएं बता रहे हैं। आप कैमरे की तरफ आइए और ये बताइए क्या बोल रहे थे? हम बोलते ही बात हम लोग बाढ़ पीड़ित समय आज 8 दिन से दौड़ते हैं एक राशन नहीं मिलता ना चूड़ा ना चावल ना कुछ नहीं मिल रहा है दौड़ते थक गए यहाँ जता है मुखिया सरपंच जता है सब घोटाला कर रख लेता है आज मुखिया क्या कहा 400 बोरा चावल आज के चला गया अपने घर पर हम लोग दौड़ दौड़ थक गए को चावल हम लोग को नहीं मिला 8 दिन से पैसमाल हो गया हम लोग समझते हैं। किसानों की जो समस्याएं हैं निश्चित तौर पे अगर आप तो परेशानियां इतनी हैं नहीं मिलता है आपका भी दिल पसीज जाएगा। क्या बता रहे थे आप कुछ और भी बता रहे समस्याओं के बारे में साहिबगंज में बाजार में मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ कितनी समस्याएं देखते हैं आप? साहिबगंज समस्या बहुत घोटाला होता है समझते हैं जितना बिझाई कर सब जितना था चावल आटा जितना भी सरकारी काम होते रुपया पैसा सब वो लोग चोरी करते किसान कुछ नहीं देता किसी को 25 किलो दे रहे हैं किसी को 5 किलो दे रहे हैं मुंह देके देते हैं हमारा 3-3 नाई सीज हुआ है सीज चल रहा है नाई हम लोग का 3 गो नाई चल रहा है बोला कि खर्चा पानी मिलेगा बरसात मिलेगा तब ना बरसात में हम लोग खटेंगे सबको बचाएंगे। मोदी जी आप पैसा घर बनाने के लिए टोटला का कहते हैं सब बेईमानी कराता है हमको मिला 1 लाख एक लड़का हमको 1 लाख नहीं पुराया सब बनाने कर लिया। स्थानीय लोगों का गुस्सा जो है सातवें आसमान पर है परेशानियों से दो चार होते हैं इसलिए गुस्सा होना वाजिब भी है। आप आगे आएंगे आप इधर आएंगे मैं एक बार फिर से तमाम दर्शकों को बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं साहिबगंज जिला में साहिबगंज स्टेशन रोड में मैं मौजूद हूं और बोल जनता बोल कार्यक्रम में यहां की स्थानीय आवाम हमारे साथ मौजूद हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में बता रहे हैं अपनी परेशानियों के बारे में बता रहे हैं कुछ लोग और भी जुड़े हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आप आगे आइए बोलना तो चाह रहे हैं लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा बोलने से हिचक रहे हैं आप इधर आइए। क्या लगता है परेशानियां यहाँ पे हद से ज्यादा हैं? परेशानियां हैं मैं साहिबगंज जिला का बरवा प्रखंड का हूँ बरवा प्रखंड का विकास राजनीतिक गलियां में खो गई है वहाँ अभी रोड के मामले में बहुत ही बदतर स्थिति है न तो विधायक साहब न तो MP साहब न MLA कोई भी किसी भी तरह के कोई ध्यान नहीं है ठीक है पूरा वहाँ का रोड पूरा कचरा है जनसंवाद करने पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है जनसंवाद करने भी कोई सुनवाई नहीं होती है और अभी बरवा में एक चला है भू माफिया यहाँ पे एक व्यवसायी है दवा व्यवसायी जो कि पूरा भूमि एक आदमी का भूमि को वो पूरा
जाली तरीका से बेचना चाह रहा है। बड़वा की राजनीति, बड़वा में जो राजनीति गलियारा है, जिला तो साहेबगंज पड़ता है लेकिन विधानसभा पाकुड़ पड़ता है, जिस कारण कि वहाँ की इस राजनीति के कारण से विकास अवरुद्ध हो रहा है। विकास अवरुद्ध हो रहा है, तमाम परेशानियाँ हैं। कुछ महिलाएं भी साहेबगंज में हमारे साथ मौजूद हैं, आप आगे आइए, उनके पास ही चलते हैं, महिलाओं के पास ही चलते हैं। ये बताइए परेशानियों के बारे में, जिक्र तो कर रही हैं लेकिन जरा सा कैमरे के सामने महिलाएं हैं, हिचक रही हैं बोलने में। आप ये बताइए, साहिबगंज की आज हम बात कर रहे हैं, कितनी परेशानियां हैं साहिबगंज में, कैमरे के सामने बताइए। आप आगे आइए, ये बताइए कि क्या लगता है कि समस्याएं कितनी देखते हैं आप यहाँ पे, और अगर हम बिजली की बात करें तो बिजली का क्या हाल है साहिबगंज में? बिजली ने अपना कहाँ बताइए आपको, आप क्या समस्याएं देखते हैं? हम बिहार का हैं सर। अच्छा, आप बिहार के हैं, साहिबगंज आए हुए हैं? जी, हम साहिबगंज आए हैं। साहिबगंज आए हुए हैं, अहमदाबाद थाना से आए हुए हैं। अच्छा, कुछ समस्याएं आपको दिखी यहाँ पे? हम तो सर वहाँ से आए तो नाव वाले लेकर के आए, बहुत कष्ट से हम लोग लेकर के यहाँ पर आए हैं और आए हैं, और समस्या है कि इतना मन कीजिए कठिन है ना कि बोलने का बात नहीं है। हम लोग आने में 3 डिग्री तेल जाता है सर, साहिबगंज आने में। जी, यहाँ पर आने में हम लोग का 3 डिग्री तेल जाता है, जो कि मन की नाव नहीं मिल रहा है हम लोग को आने के लिए अहमदाबाद से। 3 घंटा लगता है हम लोग को आने में। बिजली पे आप कुछ बता रहे थे, आप आगे ये बताइए कि बिजली की अगर हम बात करें, तमाम लोगों की शिकायत भी है बिजली को लेकर, क्या लगता है समस्याएं जो बिजली की है बहुत गहरी है क्या? हाँ सर, समस्या बहुत ही गहरी है। मैं कैमरे के सामने बताएंगे, पूरे देश से बोल रहा हूँ, मैं खुद बढ़वा का हूँ, मैं गर्मी में बता रहा हूँ, बहुत ही समस्या होती है बिजली का। बिजली वहाँ पे कभी कभी तो 24 घंटा से क्या 3-4 दिन ही गायब हो जाती है। किसी भी MP MLA या विधायक या स्थानीय सरकार को बोलो तो वो अपने बहाना बना देती है कि आप बिजली इसको फ़ोन करो, उसको फ़ोन करो। किसी भी इंजीनियर को भी फ़ोन करते तो वो कोई समस्या नहीं बता पाता। गर्मी के दिनों में बड़वा की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती है बिजली के मामले में, और जैसे जा रहा था तो वही बिजली सुधर जाती है, और गर्मी आते के साथ वही बिजली ख़राब हो जाती है। हमारे दाहिने तरफ कुछ लोग और भी जुड़े हैं साहिबगंज के स्थानीय, आप इधर आइए, आप साहिबगंज के हैं, बरहरवा के। आज हम समस्याओं की बात कर रहे हैं, साहिबगंज में कितनी समस्याएं हैं? बहुत समस्या है, गरीब गुरबा तो चावल कुछ नहीं मिल रहा है। जहाँ 25 किलो देवे का था 12 किलो से 5 किलो गरीब गुरबा का मिल रहा है माल पानी। और जितना मोदी वाला घर मिला सब पैसा खा के पैसा वाला सब मोदी वाला घर लिया। समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं साहिबगंज में, तमाम तरह की समस्याएं हैं। कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ हैं, छात्र हैं मौजूद, आगे आइए आप लोग, छात्रों से बात करते हैं कि उनको क्या सुविधाएं हैं जो यहाँ हासिल नहीं हो पा रही हैं और वो कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं, ये बताइए। आप लोग छात्र हैं, कितनी समस्याएं झेलते हैं साहिबगंज में? जी बहुत बहुत। मसलन कितनी समस्याएं, छात्र होने के नाते क्या स्कूल जाने में दिक्कत होती है, कॉलेज जाने में दिक्कत होती है, बिजली की समस्या, रोड की समस्या, क्या है? जी बिजली का समस्या है बहुत ज़्यादा। कितने घंटे बिजली रहती है? मतलब आपका ज़्यादा नहीं रहती है, 3-4 घंटे। एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, कुछ और भी बच्चे हैं, आप आगे आएंगे, बिजली की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको रोड की समस्या कितनी गहरी है साहिबगंज में? हाँ, रोड की क्योंकि दुर्गा पूजा भी है, बहुत जैम भी लगी हुई है, और इधर कॉलेज स्कूल में बहुत डिस्टर्ब भी हो रही है लाइट, और मेन बात इधर की बहुत मतलब दुर्गा पूजा की सिचुएशन से बहुत, और लाइट वीट तो और भी काटी जा रही है, और क्या क्या मतलब हर मोहल्ले पे भी मतलब बहुत क्या कंजेस्टेड एरिया हो गई इधर। समस्याएं बहुत हैं साहिबगंज में, आपने देखा भी किस तरीके से लोग अपने अपनी परेशानियां बयां कर रहे थे साहिबगंज से। सोचना होगा जनप्रतिनिधियों को, MLA MP को, कि जीतना ही एक मकसद नहीं होना चाहिए, विकास की बयार भी क्षेत्र में बहानी चाहिए, ताकि लोगों का जो स्तर है वो ऊपर उठ सके और उन्हें ये फील हो, उन्हें ये अनुभूति हो कि हमारा विकास हो रहा है, हमारा शहर विकास कर रहा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, आप बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। नमस्कार।
देखे।